Dear students, in this module, we are going to talk about symbolic interactionism. In our previous modules, we talked about two macro level perspectives structural functionalism and conflict perspective. However, this, mod this uh, specific theoretical perspective talks about the micro level aspects of society. Uh, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हो या सिंबॉलिक इंट्रैक्शनज़म हो ये लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इसमें देखते हैं कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सोशल ऑर्डर या इनक्वालिटी को जो है प्रोड्यूस करते हैं जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म की बात करते हैं तो रिलेटिवली माइक्रो लेवल के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से इंडिविजुल्स के बिहेवियर्स जो हैं वो माशरे में स्ट्रक्चर्स को शेप या रीशेप करते हैं कैसे वैल्यूज और नॉर्म्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं और इंडिविजुअल्स के लिए किस तरह से उनके ऊपर चलना ज़्यादा अहम बन जाता है तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनज़म व्यूज़ द सोसाइटी एज़ अ सीरीज़ ऑफ़ इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स वेयर मीनिंग एंड इंटरपटेशन प्ले अ सेंट्रल रोल मीनिंग और इंटरपटेशन से क्या मुराद है और ये क्यों इतना अहम है इसको समझने के लिए आप इसको एक मिसाल से आ, समझ सकते हैं कि जैसे हम मुख्त चीज़ों को उनके उनके लिंग्विस्टिक मीनिंग्स के हवाले से याद रखते हैं मसलन मतलब हम कहते हैं दरवाज़ा तो दरवाज़ा एक आर्बिट्रेरी वर्ड है जो उसके आ, उस कॉन्सेप्ट को कन्वे करने के लिए हम बोल रहे हैं इसको हम अगर इंग्लिश में कहेंगे तो डोर डोर भी एक आर्बिट्रेरी वर्ड है इसकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ये महज एक सिंबल है जो आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है हाँ ये उस वक्त ही ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में ट्रांसफ़र हो सकता है जब ये मीनिंग्स जो हैं हमारे जहनों में शेयर्ड हैं अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो ही और शी वुड नॉट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड डोर कि अच्छा जब डोर का वर्ड प्रनाउंस किया जाएगा तो उसके जहन में वो कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि जिस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम सिंबल्स के ज़रिए जो है मीनिंग को कन्वे करते हैं इसी तरह से हम मुख्तफ बिहेवियर्स जो हैं उनके ज़रिए मीनिंग को कन्वे करते हैं तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल्स जो हैं जो भी रवैये अख्तियार करते हैं जो भी रवैये अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेके आते हैं ये इनको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है इंसानों के आपस के इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेक्शन महज लैंग्वेज के ज़रिए नहीं होता बल्कि उसमें सिम्बल्स का इस्तेमाल भी होता है सो दिस अप्रोच एम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिम्बल्स लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन इन शेपिंग द सोशल रिलेशनशिप्स अगर पाकिस्तानी माशरे को मिसाल के तौर पे हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम एक मिसाल इसमें ये ले सकते हैं कि स्टडी द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड symbols इन क्रिएटिंग एंड reinforcing cultural कल्चरल नॉर्म्स एंड हम जो भी beliefs रखते हैं जो भी opinions रखते हैं उनको किसी न किसी वे में हम communicate करते हैं तो कम्युनिकेशन का जो भी मीडियम है, है वो लैंग्वेज है या symbols है तो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है पावरफुल मीडियम होता है जिसके जरिए हम उन्हीं concepts को एक माइंड से दूसरे माइंड में ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट सिम्बोलिक इंट्रेक्शन इस परस्पेक्टिव ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से इंसान जो है वो मीनिंग्स को सिम्बल्स uh, के ज़रिए लैंग्वेज के ज़रिए एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर सकें और बिहेवियर्स को उसी वक्त अंडरस्टैंड किया जा सकता है जब हम डिफरेंट लिंगुअल स्ट्रक्चर्स और सिंबॉलिक स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो सकें